बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। परवाजें मनसूख होने पर कैनेडियन इसराइल में फंस गए। थैंक्स गिविंग के मौके पर इसराइल में कैनेडियन सिफारत खाना बंद। एयर कैनेडा ने तल अबीब के लिए इतवार से अपनी सभी परवाजें मनसूख कर दी। कैनेडा में फूड बैंक इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद अब तक की बुलंद तरीन सतह पर। कैनेडा भर में फूड बैंकों की इस थैंक्स गिविंग की जरूरत में इजाफे का सामना। माहरीन को सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। अफगानिस्तान में जलजले से अमवात 4000 से जायद हो गई। सुबह हर रात में जलजले से 2000 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। एयर कैनेडा की जानिब से तल अबीब में ऑपरेशन बंद किए जाने के बाद इसराइल में फंसे कैनेडियन शहरियों को मुश्किल का सामना है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ कैनेडियंस ने कहा है कि वो इतवार को होने वाली हलाकत खेज लड़ाई के दरमियान इसराइल में फंस गए थे, क्योंकि एयरलाइंस ने मुल्क से बाहर परवाजें मनसूख कर दी और छुट्टी वाले हफ्ते के आखिर में कैनेडा के सिफारत खाने तक पहुंचना मुश्किल साबित हुआ। एयर कैनेडा ने तल अबीब के लिए इतवार से अपनी सभी परवाजें मनसूख कर दी हैं। एयर कैनेडा ने अपने उन तमाम मुसाफरों को जो उसकी परवाजों से तल अबीब जाना या वहां से कहीं और का सफर करना चाहते थे, इत्तला दी है कि वो अपने सफर का प्रोग्राम की तब्दीली या टिकट के पैसों की वापसी के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इसराइल में कैनेडा के हुकूमती अहलकार इजाफी मालूमात की तस्दीक और जमा करने के लिए मुकामी हुकाम से राबते में है। एयर कैनेडा ने ऐलान किया है कि वो अपनी परवाजों का शेड्यूल इसराइल की हालत के पेश नज़र मुरतब करेगी। कैनेडा की हुकूमत की पहली तरजीह हमेशा अपने शहरियों की हिफाजत और हिफाजत होती है। इस वजह से हम ऐसी किसी भी मालूमात पर तबसरा या जारी नहीं करेंगे जिससे जारी कोशिशों से समझौता हो या कैनेडियंस की हिफाजत को खतरा हो। इसराइल में फंसे कैनेडियन शहरियों का कहना है कि वक्त के साथ साथ ये मजीद गर्म हो सकता है, इसलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए बेचैन हैं। पूरे कनाडा में फूड बैंकों को इस थैंक्स गिविंग की जरूरत में इजाफे का सामना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पूरे कनाडा में फूड बैंकों को इस थैंक्स गिविंग की जरूरत में इजाफे का सामना है। एक एग्जीक्यूटिव इंतबाह के साथ की चीजें तेजी से खराब हो सकती हैं। महंगाई, खुराक और रिहाइश के बढ़ते हुए खराजात और रोजगार की नागुफ्ताबा सूरत हाल के दरमियान मुल्क के फूड बैंक ने अपने सामान की जरूरत को देखा है, क्योंकि तंजीमें इसमें दाखिल होती हैं जो कि बहुत से लोगों के लिए फंड रेजिंग के लिए साल का एक अहम वक्त होता है। टोरंटो के डेली ब्रेड के सीईओ नेल हेदरिंगटन, जो इस इलाके में 200 से ज़ायद फूड प्रोग्राम्स की हिमायत करते हैं, ने कहा कि ये तवील वीकेंड हमारे पास अब तक का सबसे मुश्किल थैंक्स गिविंग रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबाई मर्ज से पहले तंजीम ने हर माह तकरीबन 65,000 क्लाइंट के दौरे देखे। पिछले महीने ये तादाद 2,75,000 थी। उन्होंने कहा, आपके पास खाने की कीमतें हैं, आपके पास काम का माहौल है और सबसे ज़्यादा महजब और सस्ती रिहाइश की कमी है, और आप उन तमाम चीज़ों को एक साथ रखते हैं और अचानक आप समझ सकते हैं कि लोग फूड बैंकों का रुख क्यों कर रहे हैं। फूड बैंक्स कनाडा के आदाद व शुमार के मुताबिक फूड बैंकों तक रसाई हासिल करने वाले बुजुर्गों का फ़ीसद 2022 में बढ़कर 8.9% हो गया है, जो 2019 में 6.8% था, और फूड बैंक इस्तेमाल करने वालों में से तकरीबन
एक तिहाई बच्चे थे। फूड बैंक इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद अब तक की बुलंद तरीन सतह पर है। अफगान हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान में 3 रोज कबल मुख्तसर वक्फे से आने वाले जलजले के 5 झटकों से अमवात की तादाद 4,000 से ज्यादा हो गई, जबकि 9,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में हफ्ते को आने वाले जलजले के नतीजे में अमवात की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई। अफगान हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान में 3 रोज कबल मुख्तसर वक्फे से आने वाले जलजले के 5 झटकों से अमवात की तादाद 4,000 से ज्यादा हो गई, जबकि 9,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। अफगान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक सूबे हरात में जलजले से 2,000 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि हरात में जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हरात में 3 रोज कबल 6.3 शिद्दत का जलजला आया था। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जलजले की गहराई 76 किलोमीटर थी, जबकि मरकज शुमाल मगरबी अफगानिस्तान था। हुकाम का कहना है कि जलजले से जिंदा जान अगौरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हुए। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।